भाई बड़ा गुस्से च लग रहा है, की गल लड़ के आए आज करो? अच्छा ऐसे ही गुस्से में ही रहते हो? हैं मैं गुस्से में नहीं रहता हूँ। साहिब भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो फेड है ना, ये थोड़ी सी इधर अगर इधर तक हो जाए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि कल मेरी वापसी है और बाल बहुत बड़े हुए हुए थे, तो मैंने सोचा आज कटिंग करवा लूँ। दो चार और काम है जो करने वाले हैं। ठीक है, ये देखें भाई हंस रहे हैं, इन्होंने मेरी आज कटिंग करनी है, तो आज फेड कटिंग करवानी है और सोच रहा हूँ उसमें दो चार स्टाइल भी लगवा लूँ जो साइड पे ये कट वगैरह होते हैं। लगने तो नहीं डिसेंट, लेकिन कोई मसला नहीं, खैर है, निकल जाना है यहाँ से, तो कोई इशू नहीं। पूरी दुकान अभी खाली पड़ी है, पहला मैं कस्टमर हूँ क्योंकि मैं वेला हूँ आजकल, इस वजह से। ये भाई ने कटिंग करनी है, सारे लगा दिए हैं ऊपर, तो देखते हैं अब कैसी कटिंग होती है। भाई बड़ा गुस्से च लग रहा है, की गल लड़ के आए आज करो? अच्छा ऐसे ही गुस्से में ही रहते हो? हैं मैं गुस्से में नहीं रहता हूँ। अच्छा सुबह सुबह उठ के आ गए कल? आज छुट्टी थी? कल छुट्टी थी। अच्छा कल छुट्टी थी, आज दुकान खोलनी पड़ेगा सुबह सुबह। अच्छा इसलिए मूड अच्छा नहीं है। देखिए यार मेरी कटिंग ना और भाई नाम क्या है आपका? साइम। साइम भाई काम सही जा रहा है आजकल? जी हैं, कस्टमर काफ़ी हैं। शाम टाइम रश होता है कि नहीं? रात एक बजे तक दुकान खुली रहती है आपकी? हाँ जी, वैसे टाइम तो 10 बजे का हो गया। अच्छा क्लोजिंग करवा देते हैं, लेकिन हम 12 बजे तक ओपन रखते हैं। अच्छा 12 बजे तक जी, कस्टमर बैठे हैं एक भी बजे। अच्छा एक भी बजे, तो उस कस्टमर को फिर ज़्यादा फीस पड़ती है कि कोई नहीं? नहीं फीस वही है। चलो सही है माशाल्लाह। साहिब भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो फेड है ना, ये थोड़ी सी इधर अगर इधर तक हो जाए हैं। लास्ट टाइम भाई ने इतनी की थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा चल, और ये जो दाढ़ी है ना, ये यहाँ से यानी कि ये फेड उठे? दाढ़ी भी फेड में कर लेंगे। दाढ़ी भी ये जो है ना, ये हिस्सा फेड में, बाकी ये थोड़ा लाइट करके इसको हाँ ऐसे वी शेप में ना कर देनी। ठीक हो गया ना? चल तो गाइस ये देख लें, सारा खाली पड़ा। वो पीछे एक भाई भी सोया हुआ है सोफे पे, वो बेचारा रात को इधर ही रहा, सुबह दुकान ओपन करना भूल गया, तो इन दोनों भाइयों को ओपन करनी पड़ी। तो साहिब भाई इस वक्त मेरी कटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं इन पे क्या रिजल्ट आता है। गाइस यहाँ से यार बाल थोड़े से कम हो गए हैं, है ना? कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। पूरा महीना मैं इतना बिजी रहा हूँ ना पाकिस्तान में, इतना बिजी रहा हूँ कि मैं खत वगैरह कुछ नहीं करवा सका। तो जी सैम भाई ने कटिंग कर दी है फेट, अब सैम भाई करेगा दाढ़ी को। वो सैम भाई चीज़ें वगैरह ढूंढ रहे हैं अपनी। हाँ जी सैम भाई मिली? सैम भाई ने कल ड्यूटी की है, तो ड्यूटी करके चीज़ें इधर उधर फेंक दी हैं, आज चीज़ें मिल नहीं रही। मिल गई। लो जी सैम भाई ने ना स्टाइल भी बना दिया बालों का, हालांकि मैंने इनको बताया मैंने घर जा के धो लेने हैं, लेकिन सैम भाई मोहब्बत आपकी, खत वगैरह आप
लो यार, ये साइम ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का खत भी कर दिया, ये फेड करके कटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर दी यार। थैंक यू साइम, थैंक यू यार। चलो एक काम तो हो गया जाने से पहले है, बड़ा यार ज़बरदस्त हल्का हल्का सा फील कर रहा हूँ कटिंग करवा के। साइम बड़ा प्रोफेशनल है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसने कटिंग और खत की है। तो यार कटिंग करवा ली आप जी ब्रो, कितने हो गए सर? आपने फेड कट करवाया, फेड बेट करवाई, 800 हो गया। 800 हो गया, हाँ जी। चलो यार। और सर आपको कैसी लगी सर्विसेज? यार मैं कहता हूँ ज़बरदस्त कमाल है, ये ले। लूज में नहीं आपके पास है? नहीं लूज में जो है ना मेरे पास 300-400 ही है बस। चलो वेट करो मैं चेंज ले गया। हाँ जी यार, सारा सैलून अभी खाली, मैं पहला बंदा हूँ जिसने आज ओपनिंग की है इधर की। भाई गया है वो खुले पैसे लेने, क्योंकि खुले पैसे नहीं थे, मैं पहला कस्टमर था। वो आता है तो बाहर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके फैम भाई, ओके जी।